हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सुनो में बात करने वाले ब्रांड न्यू बजाज पल्सर RS 200 के रेड कलर ऑप्शन के बारे में। जी दोस्तों, रेड कलर ऑप्शन में आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूं क्या प्राइस आता है, क्या स्पेसिफिकेशन है बाइक में, कैसा बाइक में इंजन है, क्या आप इस बाइक को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आज के सुनो में बताने वाला हूं। सो दोस्तों, अगर आप RS 200 लवर्स हैं तो आई थिंक आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आपको RS 200 पसंद है दोस्तों, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर्सनली देखिए, मुझे ना RS 200 बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे ये भी लगता है कि बजाज को बाइक में थोड़ा अपडेट भी करना चाहिए। बजाज वालों ने इस बाइक में कोई अपडेट किया नहीं है। आई थिंक दोस्तों, ये लोगों को अपडेट ज़रूर करना चाहिए। बाकी अब देखते हैं, शायद आने वाले समय में बजाज इस बाइक में अपडेट ज़रूर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं RS 200 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। सो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं ब्रांड न्यू बजाज पल्सर RS 200 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में, कि ये बाइक आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है। ऑब्वियसली बात है यार, प्राइस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने वाले हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, हमारे लिए जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों, RS 200 एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,70,000, 1,70,000 रुपये के आसपास की आपको ये बाइक एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्ज में फ़र्क होता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, RS 200 रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस अराउंड 2,03,000 रुपीज़, 2,03,000 रुपये के आसपास की आपको ये बाइक ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब दोस्तों, आप लोगों की सिटी एंड स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको बताओ तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, इंजन टाइप में RS 200 में आपको मैं बताना चाहूँगा, लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOSC 4-वॉल्व सिंगल सिलेंडर 199.5 cc का जो इंजन है वो आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। बात कर ले इंजन के बारे में, मतलब पावर के बारे में, इस बाइक में आपको मैक्सिमम पावर में अराउंड 24.5 की PS पावर है, जो कि 9,750 rpm में पावर जनरेट करती है। एंड मैक्सिमम टॉर्क में 18.7 का इंटरमिटेंट टॉर्क है, जो कि 8,000 rpm में पावर जनरेट करती है। सो आप लोग देख पा रहे दोस्तों, बाइक में आपको जो पावर एंड जो टॉर्क है वो कितना अच्छा देखने को मिल रहा है। भली बाइक में आपको फीचर्स ना मिल रहा हो, भली बाइक में आपको ज़्यादा अच्छा लाइट्स ना मिल रहा हो, बट ये है कि बाइक में आपको जो इंजन की पावर मिलेगी वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको RS 200 में कभी भी माइनस पॉइंट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, कूलिंग सिस्टम में बाइक में आपको लिक्विड कूल इंजन देखने को मिल जाता है। फ्यूल सिस्टम में बाइक में आपको FI देखने को मिलता है, जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में बाइक को डिज़ाइन किया गया है। बाइक की जो बोर साइज़ है अराउंड 72 mm की है। बाइक की जो स्ट्रोक साइज़ है वो 49 mm के आसपास की देखने को मिलती है। ध्यान रखिए, बजाज की DTSI ट्रिपल स्पार्क प्लग टेक्नोलॉजी की वजह से, मतलब के साथ में आती है, तो उसकी वजह से दोस्तों बाइक की आपको जो परफॉर्मेंस है वो आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस बाइक में आपको नंबर ऑफ 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलेंगे, जी दोस्तों, 6 गियर के साथ में आती है। बस यहाँ पर आपको एक माइनस पॉइंट आता है कि आज भी आप लोगों को RS 200 में स्लीपर क्लच देखने को नहीं मिलता, जो कि मुझे लगता है कि भाई बाइक में जो है स्लीपर क्लच होना चाहिए। साथ में बाइक की जो बोर साइज़ है वो 72 mm की है, स्ट्रोक साइज़ अराउंड 49 mm के आसपास की आपको बाइक में देखने को मिल जाती है। ये था दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज पल्सर RS 200 का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा दोस्तों कि बाइक में आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा सा जो इंजन है वो देखने को मिल रहा है। RS 200 में आप लोगों को कोई चीज़ मिले या ना मिले, बट मैं ये तो शोर हूँ कि बाइक की आपकी जो पावर देखने को मिलती है इसमें आप कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि RS 200 में मुझे लगता है कि इस बाइक का कोई भी तोड़ नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में RS 200 बहुत बेहतरीन बाइक है, बट मैं ये भी एग्री करता हूँ कि बजाज को अपनी बाइक में अपडेट भी करना चाहिए। बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज प्लस परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, RS 200 माइलेज में अराउंड 35 के आसपास का जो माइलेज है इजीली आपको निकाल कर देगी। 0-100 में इस बाइक को लगभग 9.92 सेकेंड के आसपास के लगते हैं। एंड टॉप स्पीड इस बाइक के अराउंड 140 से 145 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड ये बाइक गेन कर लेती है। बट उसमें बहुत सारी चीज़ें डिपेंड भी करती है कि आपका वेट कितना और उस टाइम विंड ब्लास्ट कितना, ये सारी चीज़ें भी जो है टॉप स्पीड में बहुत ज़्यादा मैटर
करती है। चलिए अब आ जाते हैं फ्रंट में। फ्रंट में आपको बाइक में सस्पेंशन देख पा रहे हैं, बाइक में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है दोस्तों बाइक का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। बजाज वालों को ये चीज़ में भी थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए और अपसाइड डाउन सस्पेंशन में ये लोगों को काम करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आर एस 200 के लिए। बात कर ली दोस्तों बाइक के ब्रेक टायर साइज के बारे में, तो फ्रंट में आपको बाइक में 180 का जो टायर है वो फ्रंट में देखने को मिल जाता है। बात कर ली दोस्तों इस बाइक के अब ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। ब्रेकिंग में आर एस 200 में आप लोगों को डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जी ABS है, जो कि डुअल चैनल ABS आपको बाइक में देखने को मिलेगा। प्लस दोस्तों बात कर ले बाइक के प्लेट साइज के बारे में, तो बाइक में आपको फ्रंट में जो प्लेट साइज देखने को मिलती है वो मिलती है अराउंड 300 mm की जो प्लेट है वो फ्रंट में यूज की गई है। चलिए ऊपर आते हैं, बात कर लेते हैं इस बाइक की लाइट्स के बारे में। अब दोस्तों लाइट्स में आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले बाइक में आपको LED DRL लाइट देखने को मिलती है, जिससे बाइक का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। मेन लाइट के बारे में बात कर ली दोस्तों, तो इस बाइक में आपको आज भी हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलती है। हालांकि हेलोजन प्रोजेक्टर लाइट ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी हो या अच्छी नहीं है भैया, वो भी अपने सेगमेंट की बहुत अच्छी है, लोग उसे पसंद भी करते हैं। बट प्रॉब्लम ये दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस बाइक में आप भाई LED प्रोजेक्टर लाइट होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है इस बाइक के लिए। बाकी नो डाउट दोस्तों बाइक की जो लाइट है वो बहुत अच्छी, और सबसे खास बात है इसकी जो विजिबिलिटी आपको मिलेगी ना वो बहुत तगड़ी देखने को मिलती है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी आपको बाइक में मिल जाती है, ये चीज़ तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों नो डाउट बाइक की जो लाइट है वो बहुत अच्छी है। टर्न सिंगल लैंप भी आपको इसमें LED देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों आते हैं रियर में। टेल लाइट में आपको बाइक में LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है, साथ में रियर में आपको बाइक में जो टायर साइज मिलता है वो 130/70 का जो टायर है वो आपको रियर में देखने को मिल जाता है। प्लस दोस्तों रियर की जो प्लेट है वो आपको 220 के आसपास की जो टायर है वो आपको रियर में देखने को मिल जाती है, 230 mm की मिलती है सॉरी। प्लस रियर में आपको नाइट्रो मोनोशॉक सस्पेंशन इस बाइक में मिलेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों अब आर एस 200 के स्पीडोमीटर के बारे में। अब स्पीडोमीटर में दोस्तों आप लोग देख पा रहे कि बाइक में आप लोग स्पीडोमीटर में सबसे पहले आप की देख लीजिए, कुछ इस टाइप की आपको बाइक में देखने को मिलेगी। बात करें स्पीडोमीटर के बारे में, तो आज भी आप लोगों को बाइक में एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। मुझे लगता है दोस्तों बजाज वालों को इस चीज़ में थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये चीज़। बात करें स्पीडोमीटर के बारे में, तो इस बाइक में आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, इंजन चेक इंडिकेटर, फ्यूल रिजर्व इंडिकेटर, फ्यूल गेज, सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। बस जो मेजर चीज़ें जो नहीं मिलती वो एक तो गियर इंडिकेटर नहीं मिलता, माइलेज इंडिकेटर नहीं मिलता, तो ये कुछ अपडेट भी बजाज वालों को करना चाहिए। बात करें इस बाइक के स्विचेस के बारे में, तो लेफ्ट हैंड साइड में पास सिस, लो बीम, हाई बीम, टर्न सिग्नल है, हॉर्न का स्विच मिलता है, राइट हैंड साइड में इंजन किल स्विच एंड सेल्फ का जो स्विच है आपको बाइक में मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक की डिमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है अराउंड 1999 mm का, ओवरऑल वीट अराउंड 765 mm का, बाइक की जो ओवरऑल हाइट है अराउंड 1114 mm की है, बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है अराउंड 157 mm की, बाइक की जो सीट हाइट है वो 810 mm की, मतलब आपकी हाइट अराउंड अगर 5.4 है सुपर था आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। बाइक की जो सीट हाइट है वो 810 mm की मैंने बताया, व्हील बेस है 1345 mm की, कर्व वेट है 166 kg का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी अराउंड 13 लीटर के आसपास की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको बाइक में मिल जाती है। श्वेता दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज पल्सर RS 200 का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू, जो कि मैंने रेड कलर का आप लोगों को रिव्यू दिया है। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को RS 200 कैसी लगती है। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।